नमस्कार, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में एकीकृत रोग प्रबंधन कैसे करें इसके बारे में। धान की फसल में मुख्य रूप से खैरा रोग, झोंका रोग, जीवाणुधारी रोग और पत्तियों पर भूरे धब्बे हो जाने का खतरा रहता है। इन रोगों से बचाव के लिए आप निम्न उपाय कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में खेत की जुताई कर मेढ़ों तथा खेत के आसपास के क्षेत्र को खरपतवार से जहां तक हो सके मुक्त रखें। उचित समय पर रोग प्रतिरोधक प्रजातियों के मानक बीजों की बुआई करें। बीज शोधन नर्सरी डालने से पहले क्षेत्र विशेष के समयानुसार बीज शोधन जरूर कर लें। झुलसा जीवाणु की समस्या वाले क्षेत्रों में 25 किलोग्राम बीज के लिए 38 ग्राम EMC तथा 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में रात भर भिगो कर रख दें, फिर दूसरे दिन छाया में सुखाकर नर्सरी में डालें। अन्य क्षेत्रों में बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके अलावा धान की सीधी बुआई या रोपाई के बाद खैरा रोग के लिए एक सुरक्षात्मक छिड़काव जरूर करें। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से एक हफ्ते के बाद छिड़काव करें। यदि धान की फसल में सफेद रोग के लक्षण दिखें तो इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।